नाइन्थ कक्षा में हम डिवीजन में 1.3 प्रश्नावली पढ़ रहे थे, संख्या पद्धति। 1.3 प्रश्नावली के हमारे तीसरा सवाल चल रहा था। तीसरे का एक सवाल मैंने बता दिया था, तीसरे का एक सवाल और देखिए, अंतिम सवाल है। जैसे जीरो, तीसरा सवाल है इसका 0.007, बहुत ही अच्छा सवाल है। सात नहीं है यहाँ पे, एक है। इसको पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हल लगाइए और माना अक्ष बराबर 0.001001, इस तरह से लिख के आप आवर्ती चिन्ह को हटा दीजिए। तो ये हमारा समीकरण नंबर एक बन गया। फिर मैंने आपको ये कहा था कि पॉइंट में आवर्ती चिन्ह जितने अंकों पर है उतने ही आपको 10 के या 100 से या 1000 से गुणा करवाना। तो दोनों तरफ इसमें 1, 2, 3 शून्य हैं, 3 अंक है पॉइंट में, तो 1000 से गुणा करवा दो। 1000 से गुणा करने पर अक्ष को हम 1000 से गुणा करेंगे, तो 1000 अक्ष, और इसको 1000 से गुणा करोगे तो ये जो पॉइंट है वो 1, 2, 3 इधर खिसक जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1.001001, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों में, तो आप भी इधर 6 अंकों में रखें। ये समीकरण बन जाएगा हमारे पास। टेस्ट टेस्ट रखेंगे इसमें। दूसरा समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, ये 1000 अक्ष है, इसमें से अक्ष घटाएंगे तो 999 अक्ष बराबर 1.001001 में से ये 0.001001 घटाएंगे तो 1 बचेगा, इसलिए अक्ष बराबर 1/999 आ जाएगा और ये हो जाएगा, इसलिए पी बट्टा क्यू लास्ट में लाइन लिख देना, पी बट्टा क्यू यानी 1/999 बराबर होगा 0.001, यानी इसको हम पी बट्टा क्यू के रूप में इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से ये हमारा सवाल होगा। उसके बाद में सवाल नंबर चार देखिए, तीसरे के बाद में चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा ही है तीसरे की तरह ही, तो ध्यान से देखें। सवाल नंबर चार है, 0.9999 4 बार है, को पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां डेस डेस है, इसको पी बट्टा क्यू के रूप में व्यक्त करना। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो वही सिस्टम है, ये सवाल हमारे पास तीसरे में भी आया था। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग 0.9999 हल लगा के डेस डेस बराबर 0.9 के ऊपर आवर्ती चिन्ह आ जाएगा। और अब माना अक्स बराबर 0.999 समीकरण एक, दोनों तरफ 10 से गुणा, क्योंकि आवर्ती एक अंक पर है तो दोनों तरफ हम 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 10 अक्स होगा और इसको 10 से गुणा करेंगे तो 9.999 हो जाएगा। देश देश दूसरा समीकरण दो में से समीकरण एक घटाने पर, ये 10 अक्ष है, इसमें से अक्ष घटाएंगे तो 9 अक्ष, और 9.999 में से 0.99 घटाएंगे तो केवल हमारे पास 9 बच जाएगा, इसलिए अक्ष बराबर 9/9 यानी कि 1/1, इसलिए पी बट्टा क्यू बराबर 1/1 बराबर
पॉइंट नो 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 नो, इस तरह से ये इसका हल होगा। इसी तरह से एक पांचवा सवाल है, पांचवा सवाल देखिए। सवाल नंबर 5 को देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी 1/17 देखना है, पांचवा है 1/17। इसके दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी भाग देना है आपको। तो 1/17 आप लोग भाग लगाओगे, हल लगा के 17 का भाग लगाओगे इस 1 में, जाता है नहीं, के बदले में हम शून्य उतारेंगे और ये पॉइंट लगा देंगे। पुनः हम भाग देंगे 17 का इसमें, तो 0 बार ये 0, 10 बज गए। उसके बाद में 1 शून्य उतारने, 17 का भाग 100 में देंगे। जब तक हमारे पास 1 नहीं बचता है तब तक करते रहो इसको, 7 बार, 17 5 बार, 7 119 हो जाता है, 5 बार 17 5 पीछे से 5 माइनस करेंगे तो 5 1 15 उतारते हैं 0। उसके बाद में 17 का फड़ा 8 बार बोलोगे, 17 8 136, 8 बार माइनस करोगे 4 1 14, पुनः 1 0 उतारेंगे, 17 8 136 हुई, 8 4। जब तक आपका एक शेष नहीं बचता है तब तक इस भाग को आप करेंगे, उतारते हैं 0, 17 2 34, 2 बार 6 बज गए। उसके बाद में 0, 17 3 51, 3। उसके बाद में यहाँ से नीचे देखिए, इधर देखिए, बच गया हमारे पास 9, उतारते हैं 0, 17 5 85, 5। उसके बाद में 0, 17 2 34, 2, 6 1, उतारते हैं 0। उसके बाद में 17 9 153 होता है, 17 8 136 होता है, 17 9 153, ये 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बज गए। उसके बाद में 17 चौक 68, ये 68 4, माइनस करेंगे तो 2, 17 एकम 17, 1 बार ये 1 बस गया, 3 उतारते हैं 0। पुनः 17 एकम 17, 1 बार, उसके बाद में 3 बज गए, 13 बज गए। उसके बाद में 1 0 उतार लेते हैं, 17 8 136 ज्यादा चला गया, 17 7 119, 7 माइनस करेंगे 11। उसके बाद में उतारते हैं 0, 17 5 85, 17 6 102, 6 -8 उतारते हैं 0। 17 5 85 ज्यादा हो जाएगा तो 17 चौक 68, 2 1 12, 0 उतारते हैं, 17 7 119 माइनस करेंगे तो ये 1 बच गया, और हम इस 1 का इंतजार कर रहे थे।
इस तरह से इसको आपको भाग दिखाना पड़ेगा, जब तक तुम्हारा एक बज नहीं बजता तब तक इसको करते रहना है। इतने अंकों पर इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे इसके गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 अंक हो जाएंगे इसमें, अंकों की पुनरावृत्ति। तो आप लिखोगे यहाँ पे एक लाइन लिख दोगे, इसके नीचे लिखना है वैसे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 16 है। ये लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। उसके बाद में आपको एक मोस्ट सवाल है, आठवां सवाल देखिए। आठवां सवाल हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए अपरिमेय संख्या, तो इसको भी देखिए आपको किस तरह से करना। आठवां सवाल, आठवां देखिए, एक पॉइंट 3 का आठवां, यहां 5/7 और 9/11 के मध्य तीन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपको ज्ञात। तो अपरिमेय संख्या किस तरह से ज्ञात करनी है, ध्यान से देखें, हल लगा के पहले 5/7 का मान निकालोगे और फिर 9/11 का मान। ये हमारे पास इनका दशम प्रसार अशांत होगा, क्योंकि यहां देखो हर देखते हैं तो वो 2 की घात में भी नहीं हो सकता और 5 की घात में भी नहीं हो सकता, ये भी ऐसा है, तो अशांत होगा दोनों का। आपको दिखाना है, ये 7 का भाग देना है आपको 5 में, दाता ने पॉइंट लगाई 7, 7, 49, जब तक आपका दोबारा 5 नहीं बचता है तब तक करते रहना है। 49, 7 × 7, 3 बच गया, 7 × 0, 7 × 28, 2, 7 × 14, 6, 7, 8, 56, 7 × 5, 35 और ये 5 बच गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.714285 आवृत्ति, इसके बराबर ऐसे लिख दो। इसके मतलब दोबारा हम आगे करेंगे इसको तो यही अंक रिपीट होंगे, तो इसको ऐसे लिखना है 0.714285 इस पे आवृत्ति। इसी तरह से आपको 9/11 लिखना है, पता लगा कि 9/11 का निकालेंगे तो 11 का भाग देना है 9 में, 11 का भाग देना है आपको 9 में, जाता नहीं है पॉइंट लगाइए, 11, 8, 88, 2 बच गया, 11 × 11, ये 9, ये जल्दी हो गया, 9 दोबारा आ गया, तो इसको हम इस तरह से डैश डैश लगा सकते हैं यहाँ पे, तो 0.81 इस पर भी डैश डैश लगा देना और इस पर आवृत्ति। अब देखिए इन दोनों संख्याओं के मध्य आपको संख्या याद करनी है, यानी 0.7 है इधर और इधर 0.8 है, उसके बाद 7, 1 है, 7, 1 है, जबकि यहाँ पे 8, 1 है, इनके बीच में आपको संख्याएं बहुत ही सावधानी से याद करनी है। विशेष तौर से देखें इसमें, देखिए 0.7 है, 0.8 है, तो इनके बीच में देखो संख्याएं कौन कौन सी,
सात एक भी हो सकता है, पॉइंट सात दो हो सकता है, पॉइंट सात तीन हो सकता है, पॉइंट सात चार हो सकता है, पॉइंट सात पांच हो सकता है, पॉइंट सात छः, पॉइंट सात आठ, पॉइंट सात नौ, पॉइंट आठ जीरो भी इसी में है, जबकि पॉइंट आठ एक नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये तो आ गया ना यहाँ पे। तो इनके बीच में ये संख्या है, तो इनको आप लोग किसी एक को ले लीजिए, या दो को, तीन, तीन पूछे तो तीन ले लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए अंत में लिखेंगे, इसलिए 5/7 हुआ है 9/11 के मध्य 3 अपरिमेय संख्या। ध्यान देना आप कैसे करोगे, जैसे 0.75 ले रहा हूं मैं, फिर जीरो, फिर सात पांच जीरो जीरो, एक एक जीरो को बढ़ाते रहना है, जीरो यहां ले लिया, दो जीरो लिया, सात पांच जीरो जीरो जीरो, इस तरह से आप बेस लगा लिए। तो पहली तो ये होगी, दूसरी आप जैसे 0.76 का ले लिया, जीरो सात छः जीरो जीरो, सात छः जीरो जीरो जीरो, जैसे 3 बार जीरो बढ़ाते रहना है, वो अपरिमेय बन जाएगी। 0.78 ले लिया, जैसे जीरो सात आठ जीरो जीरो, सात आठ जीरो जीरो जीरो, इस तरह से ये 3, इस तरह से हम अनंत अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे आपको ये सवाल। उसके बाद में नौवां सवाल देखिए, नौवां सवाल में आपको केवल बताना ही है ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले हमारे पास नोए का पहला सवाल आ रहा है, रूट के 23 है। अब 23 के यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। दूसरा हमारे पास आ रहा है √225, इसके वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बराबर लगा के आप लोग लिखोगे 15, और ये 15 अपने आप में एक क्या है, परिमेय संख्या। तो यानी कि याद रखिए आप जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, या फिर ये कह सकते जिनके वर्गमूल निकल रहे हैं, वो सारी की सारी परिमेय संख्या होगी। तो 225 अपने आप में एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 15 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये अपने आप में क्या होगी, फिर परिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे जितनी भी दशमलव वाली संख्या होगी ना, पॉइंट वाली, वो सारी की सारी क्या होगी, परिमेय संख्या में आएगी। जैसे 0.3796 है, यहाँ पे आगे डैश डैश नहीं है, अगर डैश डैश हो जाती तो आगे देखो, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगी, परिमेय होगी। कारण क्या होगा, यहाँ पे 3796/4 10,000 पॉइंट हम हटाएंगे, तो ये हमारे पास बट्टा 10,000, ये हमारे पास क्या बन जाएगी, फिर परिमेय संख्या। इसी तरह से चौथा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4, यहाँ ये देखिए 7.478478 टेस्ट एस है। इस तरह का सवाल हमने पी बटा क्यू के रूप में इसी प्रश्नावली में तीसरा सवाल हमने किया था वो है, तो इसको हम बराबर लगा के ऐसे लिखते हैं, 7.478 अंकों की पुनरावृत्ति होती है, इस पे आवर्ती, और इसको फिर पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर देंगे, तो ये भी क्या बन जाएगी हमारे पास, परिमेय संख्या। नेक्स्ट पांचवा देखिए, इसमें सवाल नंबर 5 देखिए, इसमें ये देखिए, ये अपरिमेय आ गई हमारे पास, 1.01 01, 1.10 सॉरी 10 1.10 100 000 01, इस तरह से है डैश डैश। तो ये अभी अभी हमने अपरिमेय निकाली थी, पीछे वाला सवाल था जो 8वां सवाल था ना हमारे पास, ऐसा का ऐसा ही था, तो ये तो निश्चित तौर पे क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या जिनमें जीरो की बढ़ोतरी हो रही है, आप अपरिमेय संख्या। इस तरह से ये हमारा 9वां सवाल कंप्लीट होता है, और 9वें सवाल के साथ में प्रश्नावली 1.3 अपनी कंप्लीट हो गई। अब हम प्रश्नावली 1.4 देखते हैं।
1.4 मार्ग में देखिए अब क्या है। बहुत ही साधारण से देखिए, बहुत ही सरल प्रणाली है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखो 3. पहला प्रश्न है 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखना है, यानी कि लेंस द्वारा देखना है। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे और उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा और इधर हो जाएगा हमारे पास 4, और इनके बीच में पॉइंटों मिलेंगे तो 3.1 हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, 3.3 हो जाएगा। पहले हमें 3.7 पे जाना है, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और ये 3.9 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें 3.7 को देखना है, तो 3.7 और इससे अगले वाली संख्या भी देखना है, क्योंकि इसके आगे और भी है 3.7। इस पर आप लोग इस तरह से ये लेंस दिखाओगे, ये लेंस है हमारा, इसे हम ये प्रथम स्टेज होगी। सेकंड दूसरी स्टेप में देखना आप इस तरह से वही संख्या, और यहाँ 3.7 लिख दीजिए और इधर आएगा 3.8 आएगा, ये दोनों उठा के इसमें अलग अलग कर दीजिए। अब यहाँ हम 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, इसके आगे चलते हैं 3.78, इसको और आगे बढ़ा लेना 3.79 और 3.80। इस तरह से 3.80 आगे हमें चाहिए। 3.7 हमने देख लिया था, 3.76, तो 3.76 ये है हमारा। इस पर आप लोग इस तरह से लेंस दिखा दोगे, ये दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप हमारी होगी वो देखिए, एक और संख्या रेखा खींचेंगे हम, इसको उठाइए 3.76 और इधर हो जाएगा 3.77। अब यहाँ पे 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.764, 3.4 के लिए 5, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 आगे बढ़ा देंगे इसको और 3.770 आ जाएगा। अब हमें देखना कौन सा था, 3.765, 3.765 ही रहा। अब की बार ये है कि ये ना सिंगल, इस तरह से आपको ये देखना है। तो ये हमारे पास उत्तरोत्तर आवर्तन विधि रहेगी। उसके बाद में जैसे एक दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें 4 दशमलव स्थानों तक, सवाल को ध्यान से देखना, 4 दशमलव स्थानों तक 1.4 का दूसरा सवाल है हमारे पास, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 आवृत्ति को देखिए। तो वैसा क्या विषय है, 4 दशमलव स्थान तक देखना है, तो यहाँ हल लगाना और 4.26 आवृत्ति है, इसको आप 4.26 इस तरह से डैश डैश लगा देना है, ये देखना है। तो सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे इस तरह से, और इस पर 4.2 है हमारा, तो यहाँ पे 4.2 लिख देंगे हम, और इधर हम ये 4 ले लो और इधर हम 5 लेंगे,
उसके बाद में यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 और 4.8, आगे 4.9 जाएगा और ये 5.0 जाएगा। इस तरह से आपको देखना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें उठाना है 4.2 वाला, पहले 4.2 वाला ये है, इसके साथ में ये इस तरह से लेंस दिखाना है। तो पहले स्टेप अपनी कंप्लीट हो गया है, सेकेंड स्टेप में हम जाते हैं। तो ये 4.2 वाला और 4.3 वाला ले लेंगे, इधर 4.2 ले लेंगे, इधर हमारे पास 4.3 आएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से चिन्ह लगा लेना, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3 है, ये 4.3 है। अब हमें दूसरा देखना है 4.26 को, तो 4.26 ये रहा, तो इसके साथ में ये भी आएगा, ये दूसरी स्टेप हो जाएगी। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे, तो पुनः वही संख्या लिखा खींचेंगे, 4.26 लिखो इधर और इधर हमारे पास 4.27 आ जाएगा। फिर हम 2.61 कर लेंगे, तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.27 आ जाएगा आगे। और हमें देखना है अब ये तीसरा 4.262, 4.262 ये रहा, इसको हम इस तरह से ले लेंगे। इसी तरह से आगे चौथी स्टेप होगी और चौथी स्टेप में ये फिर लास्ट में 4.2626 आ जाएगा। इस तरह से इस सवाल को करना है। और इसी के साथ में ये अपनी प्रश्नावली 1.4 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप अच्छी तरह से इन सवालों का अभ्यास करें, परीक्षा हमारे नज़दीक है, वार्षिक परीक्षा होगी उसमें, और सिलेबस में हमारी संख्या पद्धति है, आप सिलेबस देखें, नेट पर उपलब्ध करवा दिया गया आपको, सिलेबस में कुछ कमी की गई है तो वो अच्छी तरह से नोट कर लें। और जो सिलेबस हमारे पास है वही मैं दोबारा रिवीजन में करवाऊंगा, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।